आज शहरी कांग्रेस सोलन ने जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने मांग करी है कि सोलन क्षेत्र, सोलन विधानसभा क्षेत्र में कम से कम दो पहिया वाहन जो है उस पर फुल कैपेसिटी, मतलब दो लोगों को बैठने की इजाज़त मिलनी चाहिए, क्योंकि सोलन के अंदर अभी स्थिति इतनी कोई गंभीर नहीं है। जब हम परिस्थितियों को देखकर ही काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जहां हिमाचल सरकार आने वाले टूरिस्टों को मौज मस्ती के लिए समय दे रही है और छूट दे रही है, तो सबसे पहले उसे अपने हिमाचल के नागरिकों का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आपने देखा है कि ऑटो वाले सिर्फ दो सवारियों को बिठा के ले जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से और इस सरकार से कि क्या दो लोगों को बिठाकर वो ऑटो वाले अपनी आजीविका कमा पाएंगे, क्या अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? जो आपने ऑनलाइन फीसिस, आजकल पढ़ाई की वजह से बच्चों की फीसिस देनी पड़ रही है, क्या वे भर पाएंगे? और अगर आज सरकार उनके मदद करने में विफल है तो ये सरकार की गलती है। क्यों नहीं दिल्ली की तर्ज पर भी सोलन के ऑटो वालों को भी जो है वो कुछ फाइनेंशियली मदद जो है उनके सीधी डायरेक्ट खाते में नहीं की जा रही है, और ना ही जो है उन्हें सवारियां बिठाने का अधिकार दिया जा रहा है। आप देखिए, सरकार ने एक तरफ बसों के अंदर तो 100% कैपेसिटी कर दी कि सभी लोग बैठ सकते हैं, पर ऑटो के अंदर नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऑटो के अंदर सवारी बैठने से ही कोरोना फैलेगा? बस में फुल कैपेसिटी के जाने से क्या कोरोना नहीं फैलेगा? ये डबल स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल गलत है। एक बार हमने पहले भी मीडिया के माध्यम से ये बात उठाई थी और हमें पूरी उम्मीद थी कि जल्द से जल्द जो है प्रशासन इसके ऊपर जो है कोई ना कोई कार्यवाही करेगा। परंतु मुझे बड़े खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि प्रशासन की उदासीनता की वजह से सोलन की जनता जो है वो त्राही त्राही कर रही है। मैं बताना चाहूँगा जिलाधीश महोदय को और प्रशासन को कि यहाँ पर जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं, जिसमें हमारा गलानग है, खनोग है, या अश्विनी खड्ड है, या देवठी है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लगातार नियमित रूप से ना तो बसें चलती हैं और ना ही आज के समय में ऑटो चल रहे हैं। तो ऐसी जगहों से अगर लोगों ने अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए हॉस्पिटल या किसी भी समस्या के लिए बाजार आना है तो वे किस तरह आएंगे? और एक ही परिवार के सदस्य जब वे एक ही घर में रह सकते हैं, एक साथ खाना खा सकते हैं, हर कार्य एक साथ कर सकते हैं, तो क्यों नहीं वे स्कूटी पर भी जो है वो एक साथ बैठकर बाजार तक आ सकते हैं? तो मेरा प्रशासन से यही निवेदन रहा आज, और हमने यही ज्ञापन दिया है जिलाधीश महोदय को कि कृपया आप इस बात को समझें और जल्द से जल्द जो है आम लोगों को इस मुश्किल से छुटकारा पाएं। लोग बहुत परेशान हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, शहरी अध्यक्ष होने के नाते लोग मुझसे बात करते हैं, हमें बताते हैं। आज यही कारण रहा कि हम जल्दबाजी में जल्दी जल्दी यहां पर आए और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द जो है वो प्रशासन निर्णय ले। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि आज एक मैंने मीडिया के माध्यम से ये भी जाना कि ऑटो वाले भी ये कह रहे हैं कि अगर उनकी तीन बंदों को बिठाने की शर्त को ना माना गया तो सोमवार से जो है वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे, तो उसके बाद सोलन का क्या हाल होगा? आप देखिए, ना तो स्कूटी पे दो लोगों को बैठने की व्यवस्था होगी और ना ही जो है आपके ऑटो चलेंगे, तो सोलन की जनता के ऊपर जो है बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। हमने पहले इस बात को नहीं उठाया, पर जब सरकार ने खुद ये कह दिया कि बसों में जो है 100% कैपेसिटी के साथ बसें चलेंगी, तो मुझे बताइए कि ऑटो के अंदर तीन लोग नहीं बैठ सकते क्या? क्या तीन लोगों के बैठने से स्पेशल कोरोना फैलेगा? ये सौतेला व्यवहार हमारे ऑटो चालकों के साथ क्यों? और जब ऑटो चालकों ने, आप जानते हैं कि जब पूर्णतया लॉकडाउन रहा तो ऑटो चालक भी बिल्कुल बंद रहे, हालांकि बाज़ार खुलने के बावजूद भी कुछ दिनों तक जो है ऑटो चालकों को परमिशन नहीं मिली, तब भी उन्होंने कोई विरोध या कोई हर समस्या को समझा और प्रशासन का साथ दिया। परंतु आज जब सब कुछ स्थिति सामान्य होती जा रही है, हर चीज़ पूरे देश में खुल रही है, और जब आप बसों को 100% कैपेसिटी कर रहे हैं, तो आपको ऑटो वालों से क्या इतराज़ है, मुझे समझ नहीं आ रहा।